व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त गला बनाना सिखाऊंगी जो आजकल ट्रेंड में है, चल रहा है। ये प्लेन कपड़ों पे बहुत ज़बरदस्त बनता है। सबसे पहले मैंने ये कमीज़ का कंधा वगैरह काट लिया है, उसके बाद मैं ये बुकरम लूँगी, उसको मैंने 3 इंच उसको चौड़ाई में और 7 इंच इसको मैं लंबाई में काट लूँगी, निशान लगा लूँगी। फिर उसके बाद 1/4 इंच यानी कि 1/4 इंच उसको नीचे से भी लगा लूँगी, बढ़ाकर 1/4 इंच इसको हम एक सर्कल सा बना लेंगे। गोल गला काटने के लिए जिस तरह हम सर्कल बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम इसको सर्कल बना लेंगे और इसकी गुलाई में शेप दे देंगे, क्योंकि हमें इसके लिए सबसे पहले गोल गला काटना है। और ये 1/4 इंच जो है ये एक्स्ट्रा हमने इसको निशान लगाया है, वो पहले हमारा कटिंग का निशान था, ये हम ऊपर से अब इसको गले की इसकी कटिंग कर लेंगे और ये इस तरह हमारा ये गोल गला कटकर तैयार हो जाएगा। दरमियान में हम एक सेंटर का निशान लगाएंगे और गले का भी सेंटर उसके दरमियान में रखकर आप दोनों तरफ से साइज़ नाप लेंगे, इसके दरमियान में इसका निशान लगा लें ताकि हमारा दोनों साइड से एक जितना आए, एक साइड से छोटा बड़ा ना हो। इस तरह आराम से हम इसकी साइड से छोटा छोटा सा कपड़ा देकर इसकी कटिंग कर लेंगे गुलाई में। अब इसको हम ये गम लगा लेंगे, इससे ये हमारा कट लगा के छोटे छोटे, इससे गला बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये सेट हो जाता है। इसको आयरन करके अब हम पेपर बुकरम लेंगे, इसके ऊपर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और 1 इंच उसके आगे, यहाँ से लेंथ इसकी 9 इंच होगी। अब इसको निशान थोड़ा सा 1/2 इंच आगे, पहले इसका दरमियान में निशान जो थे उसको जोड़ लेंगे हम इस तरह। अब 1/1 इंच जो हमने बढ़ाया था उसको निशान लगा के देखें, आराम आराम से मैं बता रही हूँ ताकि आपकी कहीं से भी कोई गलती ना हो। इसको 1 इंच हमने और बढ़ा लिया, इस तरह हमने इसको दरमियान से हम काट लेंगे। ये हमारा कट के तैयार हो गया। अब हम इसके लिए कपड़ा ले लेंगे, एक लंबा कपड़ा, इसको हम आयरन करके इसका सेंटर बना लेंगे और बुकरम का भी जो सेंटर होगा ये इस तरह से हम उसको सेंटर करके इसको चिपका लेंगे साथ इसके। इनको फोल्ड करके देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा कहीं से भी छोटा बड़ा ना आ जाए। अब हम इसको 1/2 इंच बढ़ा लेंगे, बढ़ा कर काट लेंगे, ये हम इसको फोल्डिंग में हमारे काम आएगा। अब ये दरमियान से भी हम कपड़ा निकाल लेंगे और यहाँ हमने ये देखें कट लगाना है इस तरीके से। मेरा चिकन का कपड़ा है, थोड़ा सा ज़रा हार्ड होता है, इसके कटिंग में मुश्किल होती है। ये देखें इस तरह से हमने इसके कोनों पे कट लगा लेने हैं। ये गम लगाकर हम सारा इस तरीके से कपड़े को चिपका लेंगे, फोल्ड कर लेंगे अंदर, इससे आपके बहुत नीटनेस आएगी। और आयरन करके इसको हम तैयार कर लेंगे। ये देखें हमारा पहले गोल गला तैयार किया है, अब ये चौरस ऊपर ये हमने कपड़ा, ये इसको हमने कपड़े में अब लगाना है। अब हम 6 इंच कपड़ा चौड़ा लेंगे, इसकी साइड से आड़ है वो मैं निकाल दूंगी, थोड़ा सा इसको बड़ा रखना पड़ता है, 16 इंच लंबा लूंगी। इसके अब मैं पिनटेक्स लगाऊंगी, इसके लिए निशान लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से पहले निशान लगा कर बेशक तैयार कर लें या एक एक निशान लगाते जाएं और इसको सिलाई करते जाएं आयरन की मदद से। इस तरह बेशक अब सारे निशान लगा लें, ये इस तरह देखें मैंने ये सारे निशान लगाकर ये तैयार कर लिया है। अब इसको जो एक्स्ट्रा है इसको हम
काट लेंगे। ये थोड़ा पहले ज़रा बड़ा रख कर लगाना पड़ता है ताकि कहीं से छोटा बड़ा ना हो जाए, ये बिल्कुल इसके अंदर छुप जाए कपड़ा। इतना हमने इसकी कटिंग कर देनी है कि ये बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए। अब कमीज ले लूँगी जो कि हमारी कटी हुई है, उसका मैं सेंटर पे छोटा सा टक लगा दूँगी। और अब जो हमारा गला था गोल गला, उसके भी दरमियान में छोटा सा टक लगा के, इसके नीचे से भी छोटा सा टक, ताकि हमारी कहीं से भी गलती का ना रह जाए। और उसका बिल्कुल सेंटर से ऊपर करके निशान लगा लें, पेंसिल से या चौक की मदद से आप निशान लगा लें, थोड़ा सा ऊंचा हो ताकि इसको हमने इसके नीचे रखना है। ये इस तरह आगे करके इसको हम थोड़ा सा रखेंगे यूँ। अब ये हमने गोल गले को ऊपर रख कर और एक इंच हमने ऊपर इसको नीचे वाले को रखना है और चेक कर लेना है, ताकि हम जब इसके ऊपर गोल गला हमारा इसके ऊपर आए, ये जो नीचे चौरस लाइन गला बनाया हमने इसके ऊपर वो आना चाहिए, ताकि हमारा नज़र नहीं आए, वो बिल्कुल बीच में फिट हो जाए। अब हमने इसके बीच में शटल लैस देंगे इस तरह से, इसके ऊपर निशान लगा लेंगे कि किस तरह हमने उसके ऊपर लगानी है, ताकि हमें इसे लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। निशान लगा हुआ होगा तो आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी और उसमें खूबसूरती भी आएगी। ये देखें, पहले आप उसके ऊपर निशान लैस लगा लें, फिर बीच में ये पिन टैक्स को सेट कर लें बीच में फिट करके। ये देखें, इसको भी लगा लिया, पिन टैक्स को भी मैंने ये लैस लगा ली है, इसकी जितना हमें चौड़ाई चाहिए थी उसके ऊपर। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको सेट कर लेना है, बिल्कुल कहीं से भी कोई झोल वगैरह नहीं आए। अब ये गोल गला ऊपर रख के इधर से मैंने सिलाई लगा लेनी है, ध्यान रहे नीचे हमारा गला पूरा हो। सिलाई लगा ली, अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा दरमियान से, जिस तरह हम अपना नॉर्मल गोल गला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह हमने इसको कटिंग कर लेनी है। छोटे छोटे से हम इसको टक लगा देंगे, ताकि ये थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये मैंने कहा ये भी निकाल दूँ। ये चिकन का कपड़ा थोड़ा काटने में ज़रा मुश्किल होती है, ज़रा सख्त होता है। ये अब मैंने छोटे छोटे टक से लगा दिए हैं ताकि हमारी गुलाई बहुत अच्छी आए शेप। अब मैं इसको फोल्ड कर दूँगी अंदर कपड़े को, ये देखें इस तरह से ज़बरदस्त हमारा देखें गला तैयार हुआ है। ये यहाँ हम तरपाई कर लेंगे इसको, सिलाई खूबसूरत नहीं लगेगी इधर, इधर तरपाई ही अच्छी लगेगी, इससे गले में बहुत खूबसूरती भी आएगी और नीटनेस रहेगी। अब इसको आयरन करके ये देखें हमारा कितना खूबसूरत गला तैयार हुआ है। कितनी जल्दी और कितने आसान तरीके से हमारा गला तैयार हो गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। पेंटेक्स भी जैसे बहुत आसान है, आसानी से और बहुत ही मज़े से ये गला हमारा तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।